दोस्तों इंडियन मोटरसाइकिलिंग मार्केट में प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट 150 सीसी का सबसे पसंदीदा और सबसे चहिता बाइक है यामाहा FZS वर्जन 3 और अभी ये BS4 से BS6 में अपग्रेड हो चुका है। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को इसी बाइक का डार्क नाइट एडिशन जो कि मैट ब्लैक कलर में आता है उसको दिखा था और आज मैं आप लोगों को ग्लॉजी मेटालिक रेड कलर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकेंगे ये जो कलर है ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो कलर है ये आपको एक अलग सा ही रोड प्रेजेंस दे देता है और बाइक को बहुत सारी बाइकों में एक अलग सा लुक एक अलग सा पहचान जैसा दे देता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस इंक्रीज की तो BS4 से BS6 में अभी अराउंड 2500 से लेकर 3000 रुपीस का प्राइस इंक्रीज हुआ है और चेंजेस की अगर बात करें तो कलर के अलावा यहाँ पे इंजन में मेजर चेंजेस हुआ है। दोस्तों इंजन अभी BS4 से BS6 हो चुका है यानी कि और भी ये ज़्यादा रिफाइंड होगा और इसमें पोल्यूशन और भी ज़्यादा यहाँ पे कम होगा। इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर ऐड किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूँ आपका होस्ट अरिजित और अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकेंगे कि ये जो क्रोम एलिमेंट्स है जितने भी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स और बाइक जो है ये मैकेनिकली बिल्कुल ही सेम है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इंजन की तो इंजन की जो ECU है उसे अभी चेंज किया गया है यानी कि रिट्यून किया गया है। इंजन हालांकि पहले जैसा ही है लेकिन इसका जो पावर है ये अराउंड 0.8 PS घटा दिया गया है और टॉर्क 0.8 न्यूटन मीटर्स बढ़ा दिया गया है और पावर जो है ये अराउंड अभी आपको 850 RPM पहले जनरेट होता है पीक पावर और टॉर्क जो है ये अराउंड 500 RPM पहले जनरेट होता है। तो कुल मिला के पावर हमें अभी मिलेगा 12.4 PS एट 7250 RPM और टॉर्क मिलेगा 13.6 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। दोस्तों इसके अलावा इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया है एग्जॉस्ट पाइप पर और इसमें ECU का चेंज के साथ साथ इग्निशन टाइमिंग और मैप सेंसिंग का भी चेंज किया गया है और इसके जो गियर टाइमिंग्स है उसे भी थोड़ा सा ट्यून किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकेंगे इंजन पहले जैसा ही है लेकिन ये सारे चेंजेस के साथ आता है। तो कुल मिला के अभी आपको इसमें बेटर पिकअप मिलेगा सिटी के अंदर और टॉप स्पीड के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे ये पहले से कम होगा क्योंकि यहाँ पे टॉप पावर को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। दोस्तों इंजन पहले जैसा ही है, अभी भी इसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल 2-वेल्व फुल इंजेक्टेड ब्लू कोर इंजन आता है। दोस्तों ये आप देख सकेंगे ये ऑक्सीजन सेंसर है और ये जो एक फुला हुआ स्वेल्ड अप एक जगह देख रहे हैं ये इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों नीचे इसमें जो इंजन काउल आता है ये पहले सिर्फ FZS में आता था लेकिन अभी FZ में भी ये दे दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकेंगे बाइक किस तरह का दिखता है और इंजन की चेंज होने की वजह से मुझे पर्सनली लगा है कि पावर को एक जैसा ये रख सकते थे या फिर थोड़ा सा यहाँ पे पावर को इंक्रीज कर सकते थे लेकिन हालांकि ऐसे नहीं हुआ। दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी और चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको दोनों ही पार्ट में डिवाइडेड हुए हेडलैम्प्स मिलेंगे और बॉडी वर्क की अगर बात करें तो बॉडी वर्क बिल्कुल ही पहले जैसा ही मिलेगा। इसमें आपको एक यूनिबॉडी सिंगल पीस सीट मिलेगा जिसका हाइट है 790 mm और पिलियन फ्रेंडली आपको सीटिंग पोजिशन भी मिल जाएगा। भारी भरकम कोई पिलियन को अगर आप लेके चल रहे हैं तो भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। इसमें कम्फर्टेबल सीटिंग दिया गया है और वर्जन 2 से वर्जन 3 का जो हैंडल बार है उसे अपलिफ्टेड किया गया है। हैंडल बार की आप क्वालिटी देख सकेंगे दोस्तों, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। पाइप टाइप यहाँ पे हैंडल का यूज़ हुआ है और पीछे की अगर लाइटिंग की बात करें तो पीछे भी फुल्ली यहाँ पे बल्ब सेटअप का यूज़ हुआ है। कोई भी यहाँ पे LED आपको पीछे की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। इंडिकेटर्स जो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, हालांकि अगर फ्लेक्सिबल होता तो और भी यहाँ पे अच्छा होता। दोस्तों यहाँ पे माइलेज के मामले में 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज अभी आपको BS6 में यहाँ पे मिल सकता है। आप देख सकेंगे दोस्तों दो हिस्सों में बटा हुआ जो हेडलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें ऊपर की तरफ आपको हाई बीम मिलेगा और नीचे की तरफ एक छोटा सा हैलोजन में पार्किंग बल्ब यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें मीटर कंसोल की तो मीटर कंसोल यहाँ पे नेगेटिव LCD क्लस्टर दिया गया जिसमें आपको सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल मीटर, RPM इंडिकेटर, क्लॉक, 2 ट्रिप मीटर्स और इको इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों हालांकि मुझे लगता है कि दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक साथ शो नहीं हो रहा है तो वो आपको स्विच दबा दबा के टॉगल कर करके देखना पड़ेगा। अगर दो इन्फॉर्मेशन एक साथ होता और एक गियर पोजिशन इंडिकेटर इन्होंने दे दिया होता तो ये और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों यहाँ पे 12.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक लगा हुआ है और पेट्रोल टैंक की अगर हम बात करें तो बहुत ही मस्कुलर है और FZ अपने पेट्रोल टैंक की मस्कुलर डिज़ाइन के लिए हमेशा से ही जाना जाता है। यहाँ पे सीट की अगर बात करें तो सीट तो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही यहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन दिया गया है। सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड तो
ये भी सिटी के अंदर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। और पीछे की अगर बात करें दोस्तों, तो पीछे सिंगल पीस ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको एक इंजन काउल यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली ये काउल नहीं है, कवरिंग जैसा है, और ये भी थोड़ा सा स्टाइल स्टेटमेंट को यहाँ पे बढ़ा देता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन फ्रंट की तरफ आपको 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जिसमें 130mm का ट्रैवल दिया गया है। और पीछे आपको हाइड्रोलिक एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा, जो कि अराउंड 5 से 7 बार एडजस्टेबल है 120mm ट्रैवल के साथ। दोस्तों मैं खुद FZS वर्जन 2 का ओनर हूँ, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बाइक का परफॉर्मेंस सिटी और हाईवे दोनों में ही काफ़ी अच्छा है, खास करके सिटी में। दोस्तों आप यहां पे देख सकेंगे सिंगल चैनल ABS के साथ साथ आपको यहां पे 282mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट की तरफ मिल जाएगा, और दोनों ही तरफ आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिलेगा। फ्रंट की तरफ आपको 100x80 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा ब्लैक में। यहां पे आप देख सकेंगे ABS सेंसर प्लेट्स लगा हुआ है। और टायर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सिटी फोकस्ड और स्ट्रीट फोकस्ड यहाँ पे टायर के पैटर्न्स दिए गए हैं। दोस्तों पीछे की तरफ आपको 140x60 रेडियल 17 इंचेस का टायर मिलेगा। अब पीछे की जो टायर है ये थोड़ा सा खास है, क्योंकि यहाँ पे रेडियल एलिमेंट दिया गया है, और रेडियल टायर बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी में और हाई स्पीड अटेन करने में ज़्यादा मदद करता है। पीछे की तरफ 220mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अराउंड आपको 45 से लेकर 48 kmpl या फिर 50 kmpl तक सिटी के अंदर माइलेज मिल जाएगा, और हाईवेज में मुझे खुद 50 से ऊपर माइलेज अपने वर्जन 2 से मिला है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए यहाँ पे प्राइस की, तो ये जो कलर है बेसिकली ये स्टैंडर्ड कलर में ही माना जाता है, और इसका जो प्राइस है अराउंड 1.01 lakhs इसका प्राइस है। और इसमें बैंक एंगल सेंसर भी दिया गया है, ताकि बाइक अगर गिर भी जाए तो ये अपने जो स्टार्ट है स्टार्ट को ऑफ कर देता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बाइक आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अपडेट कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं डीलरशिप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइड सेफ।